Ladies and gentlemen, look up to the skies and you will see the daring Marine Commandos of the Indian Navy proudly displaying the Indian tricolor and the Indian naval ensign. दर्शक बंधु आपण आकाश मार्ग रे देखुछंती भारतीय नौसेनार साहसी मार्कोस माने गर्वर सह भारतीय त्रिरंगा एवं नौसेना ध्वजा प्रदर्शन करुछंती। देवी और सज्जनों आसमान की ओर देखें और अब भारतीय नौसेना के जाबाज मार्कोस को गर्व से भारतीय तिरंगा और भारतीय नौसेना ध्वज को प्रदर्शित करते हुए देख पाएंगे। When naval forces are deployed for a mission, we sometimes need our elite special force, the Marcos, to go behind the enemy lines. One of the many ways in which we do this is combat free fall. Combat free fall is one of the most effective modes of insertion of special forces into the enemy area by air, utilizing highly maneuverable parachutes. देवी और सज्जनों और अभी अभी आपने हमारे जाबाज कमांडो को पैराशूट को नियंत्रित करते हुए लक्ष्य क्षेत्र पर सटीक लैंडिंग करते हुए देखा। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। दर्शक बंधु वर्तमान आपण माने देखिले आमर साहसी मरीन कमांडो निर्धारित स्थान रे अवतरण करिछंती, तांको पाई जोरदार ताली। द स्पेशल फोर्सेस पर्सनल गेट एयर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 24,000 feet with a combat load and land with accuracy onto a given target. Combat free fall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King and advanced light helicopter, as well as fixed wing aircraft like C-130, AN-32 and Dornier. The advanced light helicopter is being flown by Lieutenant Commander Balram Shukla. जेतेबेले नौसेना बळकु कोनोसी मिशन पई प्रयोग करा जाय बेलेबेले आमर विशिष्ट स्पेशल फोर्स मार्कोस शत्रु सीमा रे प्रवेश करंती। यहार अनेक प्रक्रिया मध्यरु कॉम्बैट फ्री फॉल अन्यतम। कॉम्बैट फ्री फॉल हेउची शत्रु क्षेत्र रे स्पेशल फोर्स कु प्रवेश कराइबार सबुठु सांघातिक एवं प्रभावशाली प्रक्रिया। देवी और सज्जनों हमारे जाबाज कमांडोस के लिए तालियां रुकने ना दें। जब नौसेना बलों को किसी मिशन के लिए तैनात किया जाता है तो कई बार हमें अपनी विशेष बल मार्कोस की आवश्यकता होती है ताकि वे दुश्मन की सीमा के पीछे जा सकें। ऐसा करने के कई तरीकों में से एक है कॉम्बैट फ्री फॉल। कॉम्बैट फ्री फॉल विशेष बलों को दुश्मन के क्षेत्र में वायु मार्ग से प्रवेश कराने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, जिसमें अत्यधिक निरंतरित पैराशूट का उपयोग किया जाता है। Ladies and gentlemen, now Chetan Madan, C-1MC, has descended from the aircraft and will now proceed to present a memento to the Honorable President of India. दर्शक बंधु माने आपण माने देखिले आमर मरीन कमांडो चेतन मदान राष्ट्रपति महोदयंकु स्मारकी प्रदान करिबा पई अग्रसर हेउछंती, तांको पई जोरदार ताली। देवी और सज्जनों अब आप देख सकते हैं चेतन मदान C-1MC जो अपने निर्देशित क्षेत्र पर लैंड होकर आगे बढ़ रहे हैं। अब वे माननीय राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। देवी और सज्जनों अब आप देख सकते हैं कि C-1MC चेतन मदान ने माननीय राष्ट्रपति को स्मारिका भेंट कर दी है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।